हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आई होप आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपको, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर मैं एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जॉब की बात जानकारी है नहीं, तो मैंने कहा एक क्लास लेते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत से लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर में ना यार इतनी सैलरी की जॉब नहीं मिलती। सैलरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, सैलरी देख के बहुत लोग जॉब की तरफ अग्रसित होते हैं, इसलिए फैक्ट है ना। तो आज मैं आपको ऐसी तीन टाइप्स बताने वाला हूँ जॉब के, पर टाइप्स आप तो जॉब लिखे बताएंगे, वो ऐसे टाइप्स हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होके, ओनली ग्रेजुएट होके आप खेल कर सकते हैं सबसे ज़्यादा पेमेंट, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी तीन जॉब है जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है अगर आप एग्रीकल्चर से हैं। तो बेसिकली मैंने इसको डिवाइड किया है ना तीन सेगमेंट्स में, वो तीनों सेगमेंट्स में बताऊंगा और हर एक सेगमेंट्स की एक एक दो दो जॉब बताऊंगा। यानी कि सिर्फ मैं तीन नहीं बल्कि लगभग नौ जॉब बताने वाला हूँ, लगभग जो है नौ या दस जॉब, या मान लीजिए थोड़ा कम कर दें तो नौ या दस जॉब आपकी ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। पर हाँ, सेगमेंट आपके तीन है इसलिए मैंने आपको थ्री सेगमेंट्स लिखा हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दें, मेरे से जुड़ने के लिए आप ऐप से ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर मेरी कम्युनिटी है हॉट टिकेट आकाश, वहां पर आप जुड़ जाएंगे, ठीक। कमेंट्स में आपका ऐप का लिंक है या डिस्क्रिप्शन में है। पहली जॉब है बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है। नंबर थ्री पे हमारी कौन सा है, बैंकिंग सेक्टर। ऐसा नहीं कि किसी सेक्टर को हमने नहीं रखा है तो वो भी अच्छी होता है, ठीक है, जो भी जॉब मिले। पर अभी मैं सैलरी वाइज अगर आपको कैटेगराइज करूं तो नंबर थ्री पे जो हमारे यहाँ आती है वो आती है बैंकिंग सेक्टर की जॉब। बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा, इसको मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूँ, एक आपके गवर्नमेंट बैंक्स और दूसरी हमारी होती है प्राइवेट बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक में कैसे डिफ्रेंसिएशन बताएंगे। गवर्नमेंट्स में हमारे दो हैं, एक है हमारी नाबार्ड, ठीक है, और एक है आपके जनरल जो बैंक्स हैं उनमें AFO, ठीक है। ये जॉब हर साल आती हैं, ठीक है, हर साल ये जॉब आएगी। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड ग्रेड ए, मैं आपको सीधा सैलरी बताऊंगा, डोंट वरी। आपने अगर ग्रेजुएशन BSc एग्रीकल्चर किया आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी जो नेट सैलरी आपको मिलती है वो 62, यानी मैं अगर ग्रोस बताऊं तो आपको फर्स्ट में ही 70,500 के आसपास मिलता है। एक और बात है कि मैंने जो मेरे दोस्त, मतलब एक मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो इसमें है, उन्होंने मुझे बताया था कि स्टार्टिंग में आपको इतना मिलता है, अगर ऊपर नीचे कुछ फ्लक्चुएशन हुआ होगा तो 4-5 हज़ार का फ्लक्चुएशन होगा तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। इसलिए मैं इसको नंबर थ्री पर रखा हुआ है, मतलब नंबर थ्री पर इस पर इसको रखा हुआ है। यानी 70,000 से ऊपर की भी कोई जॉब होती है आपके एग्रीकल्चर में, बिल्कुल होती है। तो नंबर थ्री पर है नाबार्ड, ठीक है। इसी में एक AFO आती है जिसकी एवरेज सैलरी 55,000 के आसपास है, ठीक, ग्रॉस बता रहा हूँ, 55,000 के आसपास आपको मिलता है, ठीक है। ये दोनों पोस्ट हर साल आती हैं, ठीक। सबसे रेगुलर पोस्ट जो एग्रीकल्चर की आती है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और नाबार्ड, ये आपकी ऐसी पोस्ट जो रेगुलर आती है, ठीक। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो AFO हर बार अगर बात करेंगे तो 600 से 800 एक एवरेज नंबर है, 600 से 800 के आसपास आती है, और नाबार्ड डिपेंड करता है कि किस समय कितनी निकली हुई है, ठीक है। दोनों का वर्क बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सैलरी वाइज और वर्क वाइज सबसे बेहतरीन जॉब है वो नाबार्ड ग्रेड ए की, ठीक है, जिसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है और प्लस इनका वर्क कल्चर भी बहुत है, वर्क कल्चर दोनों का भी अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो रिक्रूटमेंट है वो भी SO की ही रिक्रूटमेंट है, ज्यादातर आपके डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर होते हैं। इनमें दो बैंकें हैं जो इस समय बहुत अच्छे रिक्रूट कर रही हैं, वो आपकी HDFC बैंक है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा लीडिंग है। आप अगर किसी कॉलेज में है तो कॉलेज से, अभी तक ये लोग कॉलेज से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो HDFC बैंक है जिसकी सैलरी एवरेज वही है आपकी 50 से 55 हज़ार, ठीक है, और यहीं से आप स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर है। तो बैंकिंग सेक्टर की ये दो सबसे अच्छी बेहतरीन जॉब है। आगे अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से बैठिएगा, हिलिएगा नहीं कतई, ठीक है, और हाँ जब तक वीडियो खत्म हो जाए तब तक पूरा देखिएगा। दूसरी है हमारी FCI, और FCI में डायरेक्ट मैंने AGM लिख दिया है, ठीक है। सर AGM क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने टॉप थ्री ज़्यादा सैलरी वाली जॉब का आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। FCI में वैसे तो FCI में आपकी दो तीन जॉब आती हैं, जैसे कैटेगरीज दो तीन आती हैं, पर सबसे ज़्यादा मैं अगर FCI की बात करूँ तो AGM की जो पोस्ट है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी सैलरी जो है ग्रॉस बात करेंगे तो 85,000 के आसपास होती है, 85। हालांकि स्टार्टिंग में इसका एवरेज देखा जाता है 65 से 85 तक, ठीक है, अगर सब ग्रॉस वैल्यू को मिला दे, ठीक। और मेरे एक दोस्त थे वो इस समय FCI AGM में, तो उनसे भी मेरी वार्तालाप हुआ था, तो 85,000 के आसपास है। ओवरऑल जो इसकी है वो आपकी एक तक भी पहुँचती है, ठीक है, अगर आपका जोनल अच्छा आपको मिल गया है, ठीक है, वहाँ के अलॉटमेंट अच्छे हैं तो एक तक भी
टच होता है, ये ग्रॉस बात कर रहे हैं, सबके टी ए डी ए सब मिला के उसकी बात कर रहे हैं। इनके अलावा भी एफ सी आई में कुछ, ये तो सबसे हाई सेकंड तक की बात हो गई, इनके अलावा भी भाई कुछ है देखो एफ सी आई की जो अभी निकली हुई है, एफ सी आई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, ठीक है ग्रेड टू है ना, और ये आपके डायरेक्ट ए जी एम एसोसिएट जनरल मैनेजर, ठीक है। तो इनके अलावा भी तीन पोस्ट होती हैं, उनकी वैकेंसी भी हाल ही में निकली हुई है, तो ग्रेड थर्ड, फिर आप टू वन, और फिर आपके ए जी एम सबसे, और ये एफ सी आई जो ए जी एम है ये डायरेक्ट बी एस सी एग्रीकल्चर जिसने कंप्लीट किया होता है वो इसके लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। तो इसकी भी सैलरी कितनी है आपके 65,000 से ऊपर है, ठीक है, और ग्रॉस अगर बात करेंगे तो 85,000 के 80-85,000 आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब आपकी देखो तीसरी कौन सी है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा ध्यान से देखिएगा। तीसरी जो है आपके सेक्टर है वो है टीचिंग सेक्टर, जिसको लोग अक्सर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर को डालने वाला था सबसे थर्ड में, फिर मैंने सेक्टर देखा टीचिंग सेक्टर भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर की जॉब है, पर हाँ इसमें देखो दो फ्लक्चुएशन है, ज्यादातर मैंने ये वीडियो में ग्रेजुएशन वालों के लिए ला रहा हूँ, ठीक है। तो अब एडीओ जो है पोस्ट उसमें भी ग्रेजुएशन वाले अलाउ होते हैं, पर उसमें बहुत जगह जैसे यूपी का है तो यूपी का जो एसएडीओ होता है उसमें ग्रेजुएशन वाले अलाउ नहीं होते, उसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएट वाले अलाउ होते हैं। और ये जो टीचिंग की पोस्ट है ये भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ही है, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपको जो है अच्छा पैसा कमाना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पढ़ने का शौक है, ठीक, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है, फिर आप प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है, आपको उसके लिए पीएचडी और नेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, नेट निकाल के आप इजीली इस एग्जाम को मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में होगा। सैलरी की बात करेंगे तो इसकी एवरेज जो ग्रॉस है वो कितना बनता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो एवरेज ग्रॉस बनता है वो 1,00,000 से ऊपर बनता है, 1,00,000 से ऊपर बनता है। एक और बात है, अगर मैं टीचिंग की बात कर ही रहा हूँ तो मैं दो सेक्टर डिवाइड करता हूँ आज, वो सेक्टर जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक तो ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है गवर्नमेंट, एक है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आप ऑनलाइन, ठीक है, अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से आप कमाना तो ऑनलाइन टेक में भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होता है, अब तो कॉलेज से रिक्रूटमेंट होने लगा है, ठीक है। आज ही मेरी बात हुई थी तो मेरे कुछ जूनियर हैं उनका सी एस ए यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी वहाँ से रिक्रूटमेंट हुआ है, और आप बिलीव करेंगे कि उनका जो पैकेज स्टार्टिंग में वो 1,00,000 का है एज ए टीचर, ठीक है, वो भी पीजी वहाँ से कंप्लीट किए हैं, ओके। तो इसमें दो सेक्टर में जा सकते हैं, अगर आप एमएससी कंप्लीट करते हैं पीएचडी करते हैं, ठीक है, और आप रिसर्च लाइन में जा रहे हैं तो उसी समय आप जो है कहाँ पे जा सकते हैं अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बढ़ सकते हैं जिसकी सैलरी 1,00,000 से ऊपर होती है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में भी है तो आप ऑनलाइन टेक, ठीक है, तो ऑनलाइन टेक में भी बहुत बेहतरीन इसमें आगे इन फ्यूचर आपको पैकेज मिलने वाले हैं। और एक एवरेज पैकेज अगर आप सब्जेक्ट पर बढ़िया कमांड रखते हैं, ठीक है, और आपने स्टार्टिंग अगर मान लीजिए थोड़े लेवल से कर ली है, ठीक, तो एक टाइम पर आप इसमें 1,50,000-2,50,000-3,00,000 पर मंथ तक भी आप कमाएंगे, फिर आपकी कैपेसिटी ऊपर और भी बढ़ता जाएगा। तो इस लाइन को भी आप नहीं भूलेंगे, ये मैंने प्राइवेट सेक्टर को और इम्फोसाइज करते हुए इस यहाँ पर टीचिंग लिखा है, वरना मैं यहाँ पर एडीओ लिखने वाला था, ठीक है, या पीसीएस लिखने वाला था जो आपके स्टेट के पीसीएस होते हैं, पर वो रेगुलर वैकेंसी होती भी नहीं है, पर स्टेट पीसीएस लिखने वाला था क्योंकि मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात बता रहा था। बट अगर आपके अंदर पढ़ाने का बहुत अच्छा शौक है, आप बहुत बेहतरीन तरीके किसी एक सब्जेक्ट को या दो या तीन सब्जेक्ट को, अगर आप ऑनलाइन 2-3 सब्जेक्ट को आप अच्छे से पकड़ सकते हैं, उसको आप बहुत बेहतरीन से कमांड कर सकते हैं, ठीक है, तो टीचिंग में भी आप बहुत बेहतरीन पैसा कमा सकते हैं, और प्लस साथ ही साथ आप अपने टाइम को पढ़ाई के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज में आपको सैलरी बता देता हूं, ठीक है, इसकी सैलरी 1,00,000 से ऊपर है, और प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरी है वो आपकी स्टार्टिंग 70K के आसपास हो सकती है अगर आप किसी अच्छे उसमें जाते हैं, ठीक है, और अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपने गेन कर लिया है, कहीं किसी सब्जेक्ट के महारथी बन गए, बढ़िया कर लिए, तो 1,00,000 से ऊपर इसकी सैलरी होती है अप्रॉक्स। जितने मैंने बड़े जो एक्टेक देखे हैं वहां भी आपको सैलरी इसकी बेहतरीन मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीन बताए, इनके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से मिलते हैं, जैसे कि हरियाणा एडीओ की वैकेंसी थी, ठीक है, हरियाणा एचडीओ की वैकेंसी है, तो इनमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल थे, पर एचडीओ हर जगह बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबल नहीं होता, जैसे हिमाचल प्रदेश का एचडीओ है, ठीक है, तो वहाँ पर एमएससी वाले ही अलाउ होते हैं। यूपी का जो पोस्ट आती है आपकी एसटीए की पोस्ट आती है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, वहाँ भी एमएससी वाले एलिजिबल होते हैं, और वो उनकी भी सैलरी 60-70,000 से ही स्टार्ट होती है बहुत क्लियर तरीके से। तो अपने माइंड को मेकअप करिए, अगर आपका पढ़ने का बहुत शौक है तो टीचिंग लाइन में जाइए, ठीक है, अगर आपको लोगों से बातचीत करना इंटरेक्शन करना बेहतरीन लगता है, आपका तर्क शक्ति बहुत बेहतरीन है, ठीक है, तो टीचिंग के साथ साथ आप सिविल की प्रिपरेशन कर सकते हैं जिसमें एडीओ एचडीओ की पोस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपने मास्टर कंप्लीट किया है।
इनके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में दो वैकेंसी है, नाबार्ड और आपकी कौन सी एएफओ, इनमें अच्छे से बना सकते हैं, सैलरी इनकी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बहुत अपॉर्चुनिटीज ऐसी है जिनमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है। बट मैंने लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाँ, टीचिंग में ग्रेजुएट नहीं चलेगा ना, ग्रेजुएट नहीं चलेगा, आपको मिनिमम पीजी कंप्लीट करना होता है, पीजी तो आपको करना है, इसलिए इसको लास्ट में रखा ना, पीजी आपको कंप्लीट करना ही रहेगा ऑनलाइन टेक के लिए, और इसके अलावा आपके कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा लेते हैं, आपका नाम अच्छा है, अच्छा बना लेते हैं, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। पर हाँ, कमांड होनी चाहिए आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से, क्लियर है। इनके अलावा मैं कुछ वीडियोस और लाने वाला हूँ प्राइवेट सेक्टर के लिए, मैंने इस वीडियो की लेंथ सिर्फ 10 मिनट रखना चाहता था, 10 मिनट से ज्यादा हो गया, ध्यान रखिएगा, ये पूरी पोस्ट मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इन पोस्ट में आपका क्या विचार है, या आप चाहते हो कि और कोई भी पोस्ट आपके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, आप चाहते हो कि हाँ सर मेरे को प्राइवेट सेक्टर में सेल्स ऑफिसर से लेकर पेस्टिसाइड में लेकर कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, वो उनका वीडियो बना दो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इनके अलावा आप अगर इनमें से किसी पोस्ट की डिटेल में जानकारी चाहते हो कि एफओ के बारे में, नाबार्ड के बारे में, टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर से कैसे कैसे बन सकते हैं, तो उनके वीडियो लेके आएंगे, मैं आपको क्लियर कट तरीके से हर एक पोस्ट के बारे में बता दूंगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ, वैकेंसी कब आएंगे मैं आपको बता दूंगा, क्लियर है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। और हाँ, एक और बात है, इसीलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ टीचिंग को रखा हुआ है, जिसमें कि आप हमेशा रिफ्रेश रहेंगे, हमेशा रिक रहेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आपके कमेंट्स में मैं आपको राय दूँ कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जॉब में, तो मुझे बताइएगा, मैं उन सभी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। बाकी जो बच्चे अगर मेरे पास जो हेल्प करने के लिए हैं, वो उनमें आपके लिए जो सबसे बेहतरीन पोस्ट है, ठीक है, वो आपकी जो एफओ की पोस्ट है, एफओ के लिए अभी हमारे पास भी कोर्सेस है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे एफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बता दूं उनको कि आपके एफओ का फील्ड ऑफिसर का स्पेशल बैच 9 जून से स्टार्ट हो रहा है, नया बैच है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना एफओ की, तो एफओ का नया बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, तो वन ऑफ जो आपको मैंने हाईएस्ट पे स्लॉट बताई है उनमें एक आपकी क्या है, आपकी एफओ भी थी, तो इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सिंपली 9 जून के नए बैच में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको Y612A लगाना है, Y600 बार कूपन कोड को लगाना है, और साथ ही साथ याद रखिएगा इस पर आपको डबल वेल्टी पर 80% ऑफ मिल जाएगा अगर आप आज इस बैच के अंदर इनरोल करते हो, सिंपली कर सकते हैं। बाकी अगर स्पेशली सिर्फ मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आगाज बैच है, आप इसमें ले सकते हो Y612A लगा के। और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में मेरा ऐप का लिंक है या डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करिएगा, और वहां पर मेरी कम्युनिटी है हॉर्टिकल्चर भाई आकाश सर कम्युनिटी में जाएंगे, एक्सप्लोर ग्रुप में जाएंगे, हॉर्टिकल्चर भाई आकाश सर को फॉलो कर लीजिएगा। और कोई और राय अगर आपको चाहिए तो कमेंट बताइएगा, ठीक है। इन तीन जॉब में से आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो ये मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर, ताकि और आपको गाइडेंस सेशन में इसके बाद दे सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।